अस्सलामुअलैकुम माय ऑल सब्सक्राइबर्स, हाउ आर यू। आज जैसे कि बन रहे हैं ये बेसन के कोफ्ते की रेसिपी, मैं आज आपको देने जा रही हूँ। ये 2 कप बेसन है मेरे पास, और ये इस बेसन के कोफ्ते बनाने के लिए सबसे स्टेप हम ये करेंगे। कोफ्ते बना लेंगे पहले। इसमें जो है ये मसाले जा रहे हैं, 1 टी स्पून सॉल्ट, 1 टी स्पून लाल मिर्च, ठीक है, 1/2 टी स्पून हल्दी, 1/2 टी स्पून हमारे पास जाएगा ज़ीरा पाउडर, और 1/2 टी स्पून खुश धनिया, ठीक है, ये सब हम इसमें डाल देंगे। और 4 to 5 टेबल स्पून इसमें जाएगा वाटर, ताकि ये हमको इसको सख्त भूनना है, इसकी बॉल्स बनानी है क्योंकि, ठीक है। चलें जी, ये मैं डालने जा रही हूँ सारे खुश्क मसाले। जी मिक्सिंग कर रही हूँ। छान लीजिएगा बेसन को पहले अच्छी तरीके से, के बाद अब ये थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसको मिक्स करूँगी। ठीक है, और इसको हम अभी घूम के फिर आपको दिखाती हूँ इस तरह। ये देखिए, ये आटा जो है वो बेसन का बन चुका है, सारे इंग्रेडिएंट डाल के जो हमने बनाया था। अब हम इसकी छोटी छोटी बॉल्स बनाएंगे इस तरह से, ठीक है। गोल कर लें इसको, कर लीजिएगा। अभी मैं बना के आपको सब दिखाती हूँ इस तरीके से। ये देखिए, ये हमारी जो है सारे बेसन के कोफ्ते बन चुके हैं, ये टूटेंगे भी नहीं इंशाल्लाह। अब हम इनको फ्राई करेंगे। ये देखिए, मैं इसको फ्राई कर रही हूँ कोफ्तों को अच्छे से, और जब भी ब्राउन हो जाएंगे तो हम इनको निकाल लेंगे, ठीक है, उसके बाद हम ग्रेवी अपनी तैयार करेंगे। ये देखिए, ये फ्राई हो चुके हैं। अब मैं ऑयल में प्याज डाल रही हूँ 2 मीडियम साइज़ की अनियन जो है वो मैंने कट करके इसको मैं फ्राई करूँगी। जब ये लाइट गोल्डन सी हो जाएगी, हम इसमें फिर डालेंगे जिंजर गार्लिक पेस्ट 1 टेबल स्पून, ठीक है। 2 मीडियम साइज़ की प्याज हैं ये जी। अभी जा रहा है इसमें 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट, लहसुन का पेस्ट। अब ये है 1 टीस्पून सॉल्ट, 1 टीस्पून रेड पेपर पाउडर, एंड 1/2 टीस्पून टर्मरिक। अब इसको हम भून लेंगे। अच्छा, मैं मसाले जो हैं वो ज़रूर भूनती हूँ ताकि उनकी कच्चापन जो है वो ख़त्म हो जाए। नाउ आई एम एडिंग इन इट अ बिग साइज ऑफ टमाटो, 1 बिग साइज़ का हम टमाटर इसमें ऐड कर देंगे, और इसको हम भूनेंगे मसाले को। अच्छा, इसको भूनने के बाद हम इसको ग्राइंड कर लेंगे, ठीक है। जग में इसको हम ग्राइंडर में डाल के ग्राइंड कर लेंगे, ग्राइंडर में डाल के जी। ये है कलौंजी, जो कि होता है मेरे हर खाने का जड़, ये चुटकी में ज़रूर डालती हूँ जी। अब ये पूरा जो मसाला हमने ग्राइंड करके डाल दिया, तब हम दोबारा देगची में डालना, और इसको हम फ्राई करेंगे थोड़ा सा भी, और फिर पानी डाल के पकाएंगे थोड़ा सा, फिर उसमें हम कोफ्ते डाल देंगे, फिर उसे पकाएंगे 15 मिनट ताकि वो कोफ्ते हमारे नरम हो जाएँ, हरी मिर्चें साबुत डालकर, और आखिर में हरा धनिया डाल देंगे। देखिए, ये मैंने जितना पानी डालना था उतना मैंने डाल के इसको बॉयल दे रहे हैं। जब बॉयल आ जाएगा तो हम अपने कोफ्ते डाल देंगे, और आप जितना जैसा चाहें रखना वैसे रख सकते हैं, ज़्यादा रखना चाहें इसमें पानी, कम रखना चाहें, डिपेंड करता है। कुछ लोग पतला खा शुरबा खाते हैं, कुछ लोग वो गाढ़ा खाते हैं, लेकिन यूजुअली चावल के साथ पतला शोरबा चलता है और रोटी के साथ गाढ़ा। बस ये उसमें बॉयल आ जाए तो फिर मैं इसमें कोफ्ते डालती हूँ। देखें, ये बॉयल आ चुका है, मैं इसमें कोफ्ते डाल दूँगी। ये देखिए, पानी डाल के मैंने रख दिया है, अभी 15 मिनट रख रही हूँ मैं इसमें हरी मिर्ची डाल के। चलो 15 मिनट बाद मिलते हैं। जब ये भुन गया था तो मैंने इसमें आधी के लिए दही भी डाला था, ठीक है। दही का पानी डाल दिया, मैं दही डाल चुकी हूँ, वो वीडियो में नहीं आया। लास्ट में जब आपका ऑयल ऊपर आ जाए तो आपने ये ग्रीन कोरिएंडर डाल देना है, और ये हमारे तैयार हैं बेसन के कोफ्ते, जैसे कि देख रहे हैं आप, ठीक है। चलें जी, थैंक यू। जब ये रेसिपी ट्राई करें तो मुझे ज़रूर बताइएगा। ओके, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।